मतगणना के रुझानों के आने के बाद कांग्रेस नेता ने कही बड़ी बात। जिले की चारों सीटें जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। वहीं सिधौली विधानसभा को जीतकर सपा प्रत्याशी आरके चौधरी ने कौशल किशोर को दी शिकस्त। अभी मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर पूरी लड़ाई बाकी है। मतगणना के रुझानों के बाद कांग्रेस नेता ने सिधौली पहुंचकर भाजपा को लेकर बड़ी बात कह दी। कांग्रेस नेता ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी को आपस में लड़वाने का काम किया तथा आपसी भाईचारे को खत्म करने का भी काम किया है। इस बार जनता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके जनता ने झूठ और नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बताते चलें कि आज मतगणना के रुझानों के बाद कांग्रेस नेता अमर सिंह राणा ने सिधौली पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीतापुर जिले की चारों सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है ऐसा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। भाई साहब ये बताइए, रुझान जो अभी तक आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, क्या कहना है इस पर आपको? इससे कहना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है और ये जनता की लड़ाई थी, जनता के हितों पे चुनाव लड़ा गया था, जनता पे हम लोग खड़े उतरे हैं, इसलिए हम लोग सरकार बना रहे हैं। सीतापुर की सीट भी देखी जाए बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है, हम लोग जीत लिए। और मोहनलालगंज क्या कहना है? वो भी जीत चुके हैं, मतलब जिले की चारों सीटों पर हमारा दबदबा रहेगा। सरकार क्या कहेंगे? सरकार बनेगी? बनेगी सर, सरकार बनेगी। अच्छा, सरकार जो कांग्रेस द्वारा मैनिफेस्टो जारी हुआ था, अगर सरकार बनती है तो वादे पूरे होंगे? बिल्कुल वादे पूरे होंगे। किसानों का कर्जा माफ होगा और गरीब किसान जो है उनको जो 5 किलो अनाज मिलता था उनको 10 किलो का पैकेट मिलेगा। बीजेपी क्या कहेंगे आप? बीजेपी कहेंगे उसमें उसका झूठ का पर्दा साफ हुआ, जो हम लोगों का भाईचारा खत्म हो गया था, फिर से अमन शांति आएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा तथा राशन दोगुना करके 10 किलो कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। बताते चलें कि मतगणना के दौरान सीतापुर मोहनलालगंज धौरारम मिश्रिक एवं खीरी में गठबंधन प्रत्याशी अच्छी बढ़त के साथ चुनावी मैदान में चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सूत्रों का दावा है कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आरके चौधरी ने मोहनलालगंज की सुरक्षित लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सिधौली विधानसभा में भारी वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है। सूत्रों का दावा है कि सपा प्रत्याशी आरके चौधरी ने सिधौली विधानसभा में 55,614 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दी है। फिलहाल आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी जरूर दी है। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।